सो हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ अपनी बुआ के घर। ये देखिए, बुआ के लड़की की शादी है आज। पीछे शादी का माहौल बना हुआ है। तो आज है मैंने, जो कि मामा वगैरह आते थे उनके लिए करा जाता है। मैं थोड़े से गांव वाले होंगे, तो शादी जो होगी वो कल बारात आएगी। तो आज जो दूल्हे के घर में रात का प्रोग्राम होगा और यहाँ भी रात का प्रोग्राम होगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या काम हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी दिन के दो बज गए हैं शायद, तो अभी काम चल रहा है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखिए पीछे दिख रहे होगा आपको, काम चल रहा है। तो ये जेंट्स हैं, लड़के आटा गूंद रहे हैं। हमारी मंडी, हम मंडी में पढ़ते हैं। ये बुआ की जो शादी हुई है उनकी हुई है कांगड़ा में, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे जो आटा वगैरह गूंदते हैं वो लड़के गूंदते हैं, और हमारी साइड लड़के गूंदते हैं। मैंने पीछे आपको ब्लॉग में दिखाया भी होगा, तो अभी दिखाता हूँ आपको आगे। देखिए ये है इनका घर, टेंट वेंट सब लग चुका है, रेडी हो गया है। और ये बंदे गूंद रहे हैं हमारे आटा। ये दुल्हन के भाई और चाचा है, आटा गूंद अच्छे से गूंदो ना इसको। देख तो अभी थोड़ी देर में मैं भी काम करूंगा। हो गया, कितनी देर बाकी है? इसको अच्छे से गूंदना पड़ता है, पानी पूनी लगा के। बढ़िया, क्या तो कर लेंगा। ये अभी इसके हाथों में मेहंदी लग गई है और पाँव में भी लग गई है, दूसरे हाथ में लग रही है दूसरी साइड। ये मामा जी आ गए सारे। ऊपर से फूल बरसा रही है दुल्हन। दीदी यहाँ गांव वाले काम कर रहे हैं, कद्दू वगैरह छील रहे हैं अभी सारे। यहाँ पे रिवाज होगी बस, ऐसे मामा जो है वो लेते हैं। और ये जो है गेट पे लगेगा तोरण, ये मामा ले और ले आते हैं। और ये मिठाई वगैरह जो मिट्ठू बनता है हिमाचल की फेमस डिश, वो है इसमें, वो लेके आए हैं। ये मेरे बड़ा वाला भाई है और ये चाचा जी है। ये कद्दू छील रहे हैं यहाँ पे, और कटाई भी हो चुकी है उसकी आधी। यहाँ पे भी कद्दू ही छीला है, तो आज कद्दू की सब्जी बनेगी, शायद खट्टा बनेगा इसीलिए काट रहे हैं। ये सारी गांव की महिलाएं आई हुई हैं काम करने के लिए।
यहाँ पे सत्यनारायण कथा हो रही है। ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहाँ जाता हूँ जहाँ भगवान का पूजन होता है। ऐसा मन में विचार करके मैं ग्वालों के पास गया और उसने भक्ति भाव और श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। वह राजा सत्यदेव की कृपा से धन पुत्रों आदि से युक्त हुआ तथा संसार में सुख भोग करके मरने पर वह सत्य लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ से सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है वो भक्ति भाव से फलदायिनी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उसको धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, निर्धन धन को पाता है। बंदी जो जो व्रत रहा है उसको करके मनुष्य सब दुखों से छूट करके छूट जाता है। विशेषकर कलियुग में श्री सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है वह फलदायिनी है। भगवान को कोई काल कोई सत्ता कोई ईश कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहते हैं, पर अनेक रूप में धरती पर सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पे पेड़ का तना था काफी बड़ा, उसको इन्होंने उखाड़ दिया हथौड़े और छेनी से ही। रास्ते में रहे पेड़ का तना, पेड़ काट दिया, तना निकल नहीं पाया, जिससे भी मिली नहीं, जिसके कारण खुद ही काट के करना पड़ा हमें। वहीं से ये एंट्रेंस है, तो ये एंट्रेंस के मेन पे ही है, इसलिए इसको हटा रहे हैं हम, रास्ते से साफ कर रहे हैं, हल्का हल्का क्लीन हो जाएगा। कल इस पे कारपेट भी जाएगा तो ज्यादा सही हो जाएगा। ये बर्तन आ गए, तो यहाँ पे गांव वाले इकट्ठे करके महिला मंडल एक बनाया होता है, या तो फिर गांव वाले एक दूसरे से लेते हैं एक एक बर्तन। ये है किचन, इसको रसोड़ा बोलते हैं हमारी भाषा में, और यहाँ की ये कांगड़ा में है हम, और यहाँ पे इसको कहते हैं रसैड़ू। तो अभी रात का खाना चल रहा है, गांव वाले और रिश्तेदार जो सारे बैठे हुए हैं खाना खाने। ये देखिए ऊपर पूरा सेटअप लग गया है, टेंट वेंट सब। ये हिमाचल में ऐसे ही मिलता है खाना बैठ के ऐसे बगल में। फिर अभी मेहंदी का शूट होगा, यहाँ पे कैमरे वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं सारे, ये बंदे खाना खा रहे हैं अभी सारे। तो अभी सिस्टर वगैरह जो भी रिलेटिव हैं सारे बैठे हुए हैं। ये लास्ट की बैंड है, बैंड जिसको बोल रहे हैं, तो बैठे हुए हैं। ये घर वाले सारे बैठे हुए हैं, ये सामने बंदे हरियाणा से आए हुए हैं। हाँ डीजे का सेटअप है। तेरे हालात ऐसे हैं चाचा आया था अड़ी लाइट किसको भी अंक तो है लिया I'm not afraid to be alone.
ये देखिए गाइस यहाँ पे लोग कैसे सोए हुए हैं। फोटोग्राफर गायब है। लेट सोया हुआ तू? ये हमारी मम्मी जी मतलब दुल्हन की मामी जी चौका बना रही हैं। तो इसी चौके के नीचे फिर अगला कार्यक्रम होगा, पंडित वगैरह बैठेगा, पूजा वगैरह करेगा। तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है तब से। ये देखिए यहाँ पे बहुत अंदर बारिश हो जा रही है तब से। हाँ, 2-3 दिन लगातार बारिश ही बताई हुई है। देखते हैं कैसा रहता है। पूरी शादी बारिश में ही बीतेगी। खैर काफ़ी दिनों से बारिश थी नहीं, अभी आ रही है तो अच्छा है, मौसम भी बढ़िया हो जाएगा और बर्फ भी सही पड़ जाएगी इस बार। नहीं तो गर्मियों में पानी कम होता है, अगर बारिश ना हो इस टाइम पे, बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो बर्फ़ की वजह से गर्मियों में पानी नहीं होगा फिर। ये देखिए चरखा रख दिया अपने स्थान पे। और अब यहाँ पे जो औरतें होंगी वो ऊन काटेगी, धागा काटेगी चरखे से। कैमरामैन फोकस करो।
लास्ट मंज रहन दे अगली मेहंदी हूं रोज दो लगे देखना इस कैमरे में देखना है इसमें आंटी इसमें कौन तू कोटी पाई ले आऊं कोटी पाई ले इस बार ये वाला पहन ही रखा इस कोटी पाई ले इस पहन ही रखा कोटी पाई ले बार ओहो बाबा तेरे नाम दी वो भी मंदर चढ़ाई बाबा तेरे नाम दी
विश्वे स्वाहा शाराय स्वाहा ब्रह्मे स्वाहा ऋषिभ्यो स्वाहा हरि ओम गणानंदवा गणपति नमामहे ज्ञानंदवा प्रियपति नमामहे गणानंदवा विधि ओम गणपते स्वाहा बंदे बंदे दीदी 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 अलक पड्डू इसको अभी धागा बांध रहे हैं, वही फिर वहां जाके हवन वगैरह डाल रहा है। पहले उनको धागा बांधा जाता है, उसके बाद हवन डालते हैं। वही जैसे अभी भाई को धागा बांध दिया, अब वो हवन डालने जाएगा वहां पे। अनंताय जेठानी ओम प्रजापते पहले रुक के जा 2 मिनट अब गंदा पहले होगा रोते रोते पूरी तैयारी कर रही है भाभी। तीन मेरी
लकड़ा फेमस है हिमाचल का, जमाकड़ा जो अभी नाचेंगे ना ये। समझ गए क्या बोला? नंगा नू आया बोले दीदी। तुसे नटिया हो गया खत्म हो गया मेरा एडिशन। एक आंध है कुछ करेगा शायद बन गया थोड़ी देर। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? तो अभी बारात आने वाली है थोड़ी देर में, और ये पीछे बारात के लिए स्टैंडिंग प्रोग्राम में थोड़ा सा बन रहा है कुछ, जो कि दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो ये अभी बारात आने वाली है और उसका इंतज़ाम हो गया है यहाँ पे। ये क्या क्या बन रहा है तुम्हारा? रस दिया। हाँ जी, अच्छा ग्रीन वो है चटनी और रेड चटनी है, इसमें जलेबी बनेगी अभी है। अच्छा अच्छा, ये टिक्की है आलू टिक्की, ये भी हरी चटनी और लाल चटनी है ना ये। अच्छा ये क्या दूध है क्या? दूध है, कॉफी के लिए। अच्छा, कॉफी के लिए।
और ये चटनी इसके लिए है, टिक्की के लिए है। अच्छा, ये चौमिन के लिए मिक्सअप जो बना रखा है आपने। जलेबी उधर है, ये जलेबी। तभी ये चाशनी है, तो थोड़ी सी जलेबी इन्होंने टेस्टिंग के लिए निकाल रखी होगी। जैसे बारात आ जाएगी वैसे ही काम चालू हो जाएगा सारा। ये वेद लग चुकी है, ये देखिए। और ये पंडित जी एक जगह स्वास्थ्य बनाया इन्होंने, और यहाँ हवन होगा, उसका काम चल रहा है। अभी दुल्हन का भाई फलहार दे रहा है, जो कि दूल्हे को दिया है, जो फ्रूट वगैरह और क्या बोलते हैं दूध वगैरह होता है सारा। लव दोनों
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम परम हर हरि गाइस जी देखो मेरी सुहागिन की शादी हो रही है जी भाई टाइम में दिन दिन धुआं अभी साक्षी का शूट हो रहा है यहाँ पे रूम पे अंधेरा कर रखा है लाइटें बंद है इन्होंने अपनी लाइट जगा रखी है हमने लाइट का कलर रेड कर दिया है अच्छी तो आ रही है आवाज चेहरा तो अच्छा
स्वाहा अग्ने नमः उपरा उपरे उपरे आया नजर।
तेरी कितनी बर्फी है नीचे देखिए कितना हो गया हाल। Yeah.
थोड़े हाथों सेट करो Thank you.
छत के होंगे पेरी पर एक मन एक जगह पेरी पारी उपर ये देखिए यहाँ पे ओले पड़ रहे हैं अभी बहुत ही तेज बारिश हो रही है और साथ में ओले गिर रहे हैं वो देखिए वहाँ पे सफेद हो गया ये थोड़ी देर में अगर ज्यादा रहे ओले तो बर्फ में तब्दील हो जाएंगे फिर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लग जाएगी यहाँ पे भी ऊपर के पहाड़ में बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ पे बर्फ पड़ सकती है अगर ज्यादा मौसम ऐसा ही रहा तो और अभी हम वेट कर रहे थे कि बारिश थमने का पर बारिश थमने आई है और पालकी में हमने दुल्हन को बैठा भी दिया था दूल्हा बेचारा वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं देखते हैं कब तक वेट करना पड़ता है विदाई का टाइम विदाई का समय इस तरफ किस तरफ से जाना है जय माता दी हाथ
बहुत ही अच्छा लगा है आज वेरी इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ये देखो, माय ब्रो, आज बहुत ठंडे हो गए, बारिश बहुत तेज पड़ रही थी, बारिश बहुत तेज है, स्नोफॉल भी वाल का रास्ते में दिक्कत काफी आई हमें गिरो पर ले जाने में, वो दिक्कत आई रास्ते में ले आए, पर हम ऊपर तो देखिए ऊपर बर्फ भी पड़ी हुई है, अगर आप कैमरा में दिखेगी शायद तो श्री राम मे भी इसको क्लियर ना दिखे, पर ये बर्फ पड़ गई है और अभी अभी ताजी ताजी पड़ी है बर्फ, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है यहाँ, फुली मस्ती चल रही है, फुली एंजॉय। जय श्री राम। देखिए सामने बर्फ के पहाड़ कैसे लदे हुए हैं, व्हाइट चादर की तरह दिख रहे हैं, वाह यार कितना मस्त लग रहा है। आपको कैमरे में अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं दूर का व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए व्हाइट व्हाइट, कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है तो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पर आपको व्हाइट व्हाइट दिख ही रहा होगा कि ये सारी की सारी बर्फ ही पड़ी हुई है और ये ताज़ी ताज़ी पड़ी हुई है आज की और कल की। ये ऊपर गए बहुत तेरी, कितनी बर्फ ही है नीचे देखिए कितना हो गया हारे कट्टा।